इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में सिंगल लाइन डायग्राम मोटर वायरिंग का, मोटर करंट कैलकुलेशन. हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे डिजाइन कंसीडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन स्मॉल इंडस्ट्रीज में, हम लोगों ने मोटर करंट देख लिए थे. इसके बाद हम लोगों ने लाइन डायग्राम देखा था. इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि जब हम डिजाइन कंसिडरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को केबल का सिलेक्शन करना होता है, और जो हम लोग केबल का सिलेक्शन करते हैं वो मोटर के, इसके पहले तक हम लोग जब देख रहे थे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ लोड इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे थे, और इंडिविजुअल लोड कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते थे कि उसका वायर जो हमारा करंट कैलकुलेशन निकलता था उस रेटिंग से जो उसके ऊपर अवेलेबल मार्केट में होता था हम लोग उस वायर को वो परचेस करते थे और उसे इंस्टॉलेशन करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो अपने स्टार्टिंग के टाइम में रेटेड करंट का 1.5 टाइम्स करंट रन करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट. तो यहाँ दो वर्ड आया, एक होता है रेटेड, या रेटेड इसको बोला जाता है फुल लोड करंट. तो पहला क्या आया हमारा स्टार्टिंग करंट, और एक आता है फुल लोड करंट. तो जब फुल लोड करंट कहने का मतलब है कि मोटर जो हमारा बनाया गया है वो जिसका मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे और नॉर्मल रनिंग करे, वो करंट को क्या कहा जाता है, फुल लोड करंट. स्टार्टिंग करंट क्या होता है कि जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है तो उस समय मोटर पे बैक ईएमएफ नहीं होता है. बैक ईएमएफ क्या है कि मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है. अब जब हमारा मोटर रेस्ट पे है जहां पे स्पीड क्या होता है, जीरो होता है, मान लीजिए ये 1500 आरपीएम इसका रेटेड है, तो जैसे जैसे ये जीरो आरपीएम में है ना, तो इस जीरो आरपीएम में सबसे ज्यादा करंट को ड्रॉन करेगा, और जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा 1500 आरपीएम तो आई की वैल्यू घटती जाएगी, यहाँ रेटेड वैल्यू आ जाएगा. तो एट सबसे ज्यादा करंट कब ड्रॉन करता है, तो एकदम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट की पोजिशन पे रखता है मोटर, उस समय सबसे ज्यादा करंट ड्रॉन करता है. ठीक है, तो इस करंट, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग करंट कहलाता है. ये हमारा नॉर्मल करंट है मोटर का, मतलब ये करंट जो स्टार्टिंग के टर्म ड्रॉन करा है इसको फॉल्ट करंट की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं. ठीक है, तो अब हमारा जो है इसमें हम लोग वायर का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देखा जाता है. एक चीज और है कि जो स्टार्टिंग करंट को हमारा लिमिट किया जाता है ना, उसके लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं. तो स्टार्टर का फंक्शन क्या पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना. डिसाइडिंग द केबल साइज कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके का मोटर हमें मिलेगा, या तो डीसी मिलेगा, या तो सिंगल फेज मिलेगा, या तो थ्री फेज मिलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो थ्री फेज सिंगल फेज है. तो हम लोग पहले डीसी मोटर से स्टार्ट करते हैं. जब अगर डीसी मोटर है तो यहाँ पे मान लीजिए एक मोटर है जिस जो हमारा 400 वोल्ट पे काम करता है, 15 एचपी मोटर है, इफिशिएंसी इसकी 80% है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को आई निकालना है. आई के लिए क्या हो जाता है, पावर. तो पावर क्या है, रेटेड एचपी इंटू 746 डिवाइडेड बाय कितना हमारा वोल्टेज है, तो 400 इंटू पावर फैक्टर कितना है, 0.8. तो ये 35 के आसपास हम ये अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है. तो ये जो 35 एम्पेयर आया है ये हमारा क्या है, रेटेड करंट है. अगर हम इस रेटेड करंट पे फ्यूज का सिलेक्शन या वायर का सिलेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1.5 टाइम्स जब करंट रन करेगा तो हो सके हमारे वायर को क्या कर सकता है, वहाँ डैमेज भी कर सकता है. तो यहाँ पे जो मिनिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, वायर का 1.5 टाइम्स होना चाहिए रेटेड वैल्यू. क्या, तो रेटेड वैल्यू हमारा क्या है,
35 × 1.5, ये जो भी वैल्यू आएगा, तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स एम्पेयर जो ये वैल्यू आएगा इसके ऊपर का ये अवेलेबल जो हमारे पास वायर होगा, हम लोग उससे क्या करेंगे, डीसी मोटर का इसका वायरिंग करेंगे। अब हम लोग एक देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो सिंगल फेज मोटर के लिए होगा, सिंगल फेज एसी मोटर। इस पे हम लोग ले लेते हैं 5 HP का मोटर है, 240 वोल्ट है, 75% इसका एफिशिएंसी है, ठीक है, और 0.8 यहाँ पे पावर फैक्टर, क्योंकि ये एसी मोशन है, यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर का भी वैल्यू आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू रेटेड एचपी इनटू 746 डिवाइडेड बाय 240 इनटू 0.75 इनटू 0.8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 से लेके अप्रोक्स 28 एम्पेयर के आसपास इसका रेटिंग आएगा, तो क्या करंट करंट जो हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वायर का, क्या यही होगा, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल शुड बी 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, यह हम वैल्यू मान लेते हैं कि 28 आया था, 28, तो इसमें जो भी वाई एम्पेयर हमारा निकलेगा इसके ऊपर वैल्यू जो अवेलेबल होगा हमारा मार्केट में, हम लोग क्या करेंगे उससे इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं थ्री फेज के लिए, तो थ्री फेज एसी मोटर एग्जाम में भी अगर आपको ये चीज पूछ ना, तो इस तरीके का एग्जांपल कोई भी अज्यूम कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके दिखा देना है कि हम लोग कैसे करने कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थ्री फेज मोटर है, 415 वोल्ट, 10 HP, 85% एफिशिएंसी हो जाएगा, 0.8 पावर फैक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनटू रेटेड एचपी इनटू 746 है, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री इंटू वी एल 415 इंटू 0.8 इंटू 0.85, ये जो भी वैल्यू आएगा 15 से लेके 18 एम्पेयर के बीच, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेरा 18 एम्पेयर आया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग करंट कैलकुलेट करना होगा, स्टार्टिंग करंट तो 81.5 × 18, तो ये 24 एम्पेयर के आसपास आएगा, तो ये जो 24 एम्पेयर का वायर है इससे हम लोग आगे इसका इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अगर डीसी है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंगल फेज है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्री फेज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बार बार हम लोगों ने 1.5 टाइम्स हमेशा जैसे एक होता है हमारा फुल लोड करंट, ठीक है, इनटू 1.5 कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल रहा है, स्टार्टिंग करंट। तो होता क्या है कि जब मशीन हमारा जीरो पेस्ट रहता है तो उस समय क्या होता है कि मशीन में बैक ईएमएफ नहीं होता है, बैक ईएमएफ के चलते क्या होता है, मशीन में बैक ईएमएफ वो है जो मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, ठीक है। तो अगर सेल्फ रेगुलेटिंग कहने का मतलब है कि जब हमारा मोटर में जब हम लोग लोड देते हैं तो स्पीड ऑटोमेटिक वो डाउन होता है, स्पीड डाउन होता है और लोड को क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो करंट अपने आप बढ़ जाता है, और जब हमारा लोड हम हटाते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है, यही हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग कहने का मतलब। ये किसके चलते होता है, मेन फैक्टर है, तो ये बैक ईएमएफ के चलते होता है। लेकिन जब हमारा मशीन बैक ईएमएफ क्या है कि जब मोटर हमारा रोटेट कर रहा है, एज अ मोटर काम करता है, तो उस समय वो जनरेट एज अ जनरेटर भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जनरेटर एक्शन भी वहां पे हो रहा है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रोटर रोटेट कर रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये ईएमएफ क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट काम करता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है। इसका और मैक्सिमम जो डिटेल होगा हम लोग मोटर के पार्ट में देख लेंगे, लेकिन अभी बस यहाँ पे इतना हमें ध्यान में रखना है कि और जब स्पीड जब हमारा हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोड बढ़ा रहे हैं, हम लोड क्या
लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड क्या डिक्रीज हो रहा है, करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। जब लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज होगा, करंट का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। तो जब हमारा करंट मोटर रेस्ट में है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्यादा करंट रन कर रहा है, ठीक है। और ये जो भी हो रहा है हमारा बैक ईएमएफ के चलते हो रहा है, बैक ईएमएफ मशीन को हमारे पता चुके रेगुलेटिंग बना रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये करंट हम लोग यहाँ पे क्यों स्टार्टिंग करंट पे सिलेक्शन कर रहे हैं वायर का, ये समझ में आ गया होगा। तो जब हम अगर सिलेक्शन वायर का स्टार्टिंग करंट पे कर रहे हैं, तो लोड फुल लोड करंट पे तो फ्यूज का करंट सिलेक्शन नहीं करेंगे। फ्यूज का भी जो सिलेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग करंट पे होगा। क्योंकि पता चला अगर हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, मोटर हमारा स्टार्टिंग करंट ड्रॉन कर रहा है और हमारा फ्यूज मेल्ट हो जा रहा है या एमसीबी लगा रहे हैं वो ट्रिप हो जा रहा है, तो वैसे वो भी नहीं होना है। क्योंकि हम जब भी मोटर को स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। तो हमेशा हमारा जो एमसीबी या फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे या वायर का सिलेक्शन करेंगे मोटर वायरिंग इंस्टॉलेशन में, तो वो हमेशा स्टार्टिंग करंट में करेंगे। और स्टार्टिंग करंट हमेशा क्या होता है, 1.5 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हम लोगों ने मोटर का वायर का सिलेक्शन करना सीखा और हम लोगों ने फ्यूज का सिलेक्शन करना सीखा। थैंक यू।